कैसे मिलेगा ये मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में मैं आप लोग को सेवन एनिवर्सरी बैंड के अंदर क्या क्या आने वाला है और सेवन एनिवर्सरी बैंड से लेगा तो आप लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा ये फिर मैं आप लोग को आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और साथ में मैं आप लोग को बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स दिखाने वाली हूँ जो देख के आप लोगों का तो वीडियो को पूरी देखना है, स्किप करोगे तो आप लोग बहुत सारी अपडेट मिस कर दोगे। तो चलो इस वीडियो के टाइम में शेयर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है, आप लोग को जल्दी एक नया लेक्चुअल देखने के लिए मिल सकता है जिसके अंदर में आप लोग को ये जो टोकरी वाला इमोट है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जिस इमोट को आप लोग करोगे तो इस टोकरी के अंदर में आप लोग घुस जाओगे और ये जो टोकरी है ये गोल गोल इधर गिरेगा उधर गिरेगा, बट ये जो टोकरी है ये गिरेगी ही नहीं। तो गाइस सो इमोट है ना ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी और आप लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी इस इमोट के साथ में आप लोग को और भी सो इमोट्स वगैरह वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लाइक ये सो बैलून फुलाने वाला जो इमोट है, बैलून फुलाने वाला क्या ही बोलते हैं पुआई वाला सो इमोट है और साथ में आप लोग को ये वाला इमोट देखने के लिए मिल सा रहा है पुया वाला जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ में आप लोग का जो फायरफ्लाई इमोट है ये फिर आप लोग को इस लेक्रवेल के अंदर भी देखने के लिए मिल सा रहा है। सो इंडियन सर्वर में जल्दी ये लेक्रवेल आने वाला है, इसका भी ऑफिशियल जो बैनर है वो निकल के नहीं आया इसलिए इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई। जैसे ही ऑफिशियल बैनर निकल के आ जाएगा तो मैं आप लोग को इसकी कंफर्म डेट बता दूंगी। और आप लोग बहुत ही पूछते हो कि आप लोग का जो वन बेंच मैन के जो शॉटगन की स्किन है ये आप लोग को कब देखने के लिए मिलेगी इंडियन सर्वर में रिटर्न में। तो वैसे देखो वन बेंच मैन की इनकी स्किन जब आएगी रिटर्न में जब वन कोलैबोरेशन करेंगे, अगर दोबारा कोलैबोरेशन होगा तो ही जाके आप लोग को वन पंच मैन की जो उनकी स्किन है वो देखने के लिए मिलेगी। और दोबारा कब होगा वो तो गाइस अगले साल हो सकता है, अगले साल हो सकता है। सो जब कोलैबोरेशन होगी दोबारा तो आप लोगों को जाके जो शॉटगन की स्किन है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। और जब तक नहीं होगा तब तक आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाइस जब होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसके तो आप लोग टेंशन ना लो। और गाइस आप लोग सोच रहे हो आप लोगों को सेवन एनिवर्सरी स्पेशली कौन सा न्यू बनी बंडल जो है देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस देखो यहाँ पे आप लोगों को चार बनी बंडल देखने के लिए मिल रहा है। चारों ही इंडिया सर्वर के लिए पेंडिंग में पड़ा है, चारों में से एक भी बनी बंडल अभी तक करीना वालों ने इंडिया सर्वर में नहीं दिया। बट आप लोग को ये बस जान के खुशी हो जाएगी कि आप लोग को जो सेवन एनिवर्सरी इवेंट स्पेशली ना 100 बनी का बंडल है, ये चारों में से एक बनी का बंडल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और फिर ये कंफर्म लीक वगैरह नहीं आई है कि ये चार बनी बंडल में से कौन सा आएगा। बाकी आप लोग का जो बनी बंडल है आप लोग को कौन सा पसंद है आप लोग कमेंट में बताना, मुझे तो ये चारों ही पसंद है कोई भी आ जाए। बाकी यहाँ पे देखो ये चार बनी बंडल है, इसमें से एक आने वाला है जुलाई नहीं तो जून में आ जाएगा इसका रिंग इवेंट। और जैसे ये एनिवर्सरी ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोग को ये चारों में से कंफर्म बता दूंगी कौन सा आप लोग का जो बनी बंडल है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इंडिया सर्वर में। बट इस अपडेट में आप लोग को पता है यूनिवर्स एनवी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है फ्री फायर का, तो यूनिवर्स का कोलैबोरेशन स्पेशली आप लोग को जो यूनिवर्स की टीम में जो न्यू समुराई बंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इसका रिंग इवेंट। सो पॉसिबल है जून में ही देखने के लिए मिल जाएगा। सो जून के इस महीने में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है इसका रिंग इवेंट। बाकी सो यहाँ पे यूनिवर्स की समुराई की टीम में जो न्यू बंडल है उसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो। जो बंडल है समुराई का वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा ओपी है और यूनिवर्स समुराई की थीम में जो बंडल है इसके साथ में आप लोगों को पॉसिबल है इस रिंग इवेंट में आप लोगों को एक तरफ ये समुराई बंडल और दूसरी तरफ आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराई बंडल है, ये दोनों ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। समुराई बंडल एक साथ में ज़ॉम्बी समुराई और यूनिवर्स स्पेशली जो न्यू समुराई बंडल आने वाला है वो, क्योंकि यूनिवर्स स्पेशली जो न्यू समुराई बंडल है इसको करीना वाले ने अभी तक नहीं दिया है इंडिया सर्वर में, तो हो सकता है आप लोग को उसके साथ में जो ज़ॉम्बी समुराई बंडल है इसका फैन देखने के लिए मिलेगा जिसका आप लोग टेक्स्ट इस वीडियो देख सकते हो। फिर जैसे ही डेट वगैरह कंफर्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को इसका कंफर्म डेट बता दूंगी। और गाइस देखो आप लोगों का जो G18 की जो इफो गन है इसका रिंग इवेंट आप लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा, 2 जून को भी आप लोगों का जो G18 की जो इफो गन है ये आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिले। जो इफो फुल रिंग इवेंट है तो आप लोगों का जो G18 की जो इफो गन है ना ये आप लोगों को जुलाई मंथ में देखने के लिए मिलेगी। 2 जुलाई को आप लोगों का जो नेक्स्ट इफो फुल रिंग इवेंट आने वाला है उसके अंदर में आप लोगों को 2 जुलाई को जो इफो G18 आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोगों को जो फ्री का मैसेज क्यों फिर ये आप लोग को 14 नहीं तो आप लोग को 17 जुलाई को इंडिया सर्वर में बिल्कुल फ्री में जो मैसेज क्यों फिर आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिशन करके कम्प्लीट करके
कि आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को फ्री का मैसी क्यूब लेना है तो 14 या फिर 17 जुलाई को आप लोग जो गेम है उसको लॉग इन करके मिशन करके ले लेना, फूल नानी। और देखो 1 जुलाई को फेयर का न्यू रैंक सीजन आने वाला है, तो आप लोग को जो न्यू फेयर का जो रैंक सीजन आने वाला है उसके अंदर आप लोग को एक मैप फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को वो अल्पाइन भी देखने के लिए मिल सकता है, कल्लारी भी देखने के लिए मिल सकता है, और सो ब्रिगेड जी मैप है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तीनों ही मैप का रिटर्न का फोटो आए, तो जिसमें ज़्यादा वोट होगा वो आप लोग को 1 जुलाई को ये तीनों में से कोई एक मैप आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जहाँ तक ना मेरे को पता चला है आप लोग को जो कल्लारी मैप है वो तो आप लोग को 1 जुलाई को न्यू वीआर रैंक सीजन में आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। वीआर के अंदर आप लोग को जो ज़्यादा चांस है वो अल्पाइन मैप का है, अल्पाइन मैप आप लोग को नेक्स्ट सीजन देखने के लिए मिल सकता है वीआर के अंदर। ये तो आप लोग को जो ब्रिगेड जी है वो भी पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्रिगेड जी आएगा नहीं तो अल्पाइन आएगा, खिलाड़ी का बहुत ही कम चांस है कि वो आ सकता है 1 जुलाई को। बाकी फीआर के अंदर कौन सा रिटर्न में आएगा मैप तो आप लोग को अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे आप लोग को बहुत ही ज्यादा चांस है कि अल्पाइन ही देखने के लिए मिल जाएगा और पेट की ट्रिप हो सकता है और कम चांस है कि खिलाड़ी हो। तो ये तीनों का ही मैंने आप लोग को बता दिया, तीनों में से एक मैप आप लोग को 100% कन्फर्म ही नेक्स्ट रैंक सीजन देखने के लिए मिल जाएगी 1 जुलाई को वीआर रैंक के अंदर। और इस बार इवेंट के खत्म होने के बाद में 7 या फिर 8 जून से ईद का इवेंट स्टार्ट होने वाला है इंडिया सर्वर में। ईद के इवेंट पे आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में एक बंडल मिल सकता है जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हैं, जिसको आप लोग फ्री के टोकन आप लोगों को क्लिक करके जो फ्री का टोकन है उसे एक्सचेंज कर पाओगे। और जो बंडल है उसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो, बंडल देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा है और मेल का है तो लड़कों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और मेल के बंडल में आप लोग को पैंट शर्ट हेयर मूछ और स्विच मिल जा रहा है, बंडल बहुत ही ज्यादा ओपी है। और फिर ये देखो आप लोग को ईद स्पेशली आप लोग को ये बोले से बकरी वाला इमोट है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। इसका भी आप लोग को फैट बिल्ड तो लकड़ी वाला देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर से आप लोग इस इमोट को निकाल पाओगे। जो बकरी है बकरी को यहाँ पे उठाता है और इसको कंधा में लेके यहाँ पे इसको खिलाता है, फिर बकरी को छोड़ देता है। और साथ में आप लोग को ईद स्पेशली आप लोग को ये जो बकरी वाला जो पीना है ये भी आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। सो बंडल का 50 चांस है कि आप लोग को इंडिया सर्वर में मिलेगा, क्योंकि बाहर के सर्वर में तो मिलता ही है बट इंडिया सर्वर में गरीना वाले गिरफ्तारी करते हैं और नहीं देते। सो इंडिया सर्वर में थोड़ा ही पॉसिबल है कि जो बंडल है वो फ्री में मिल सके, बाकी और कोई भी बंडल मिल सकता है ईद इवेंट स्पेशली। और आप लोग को जो बंडल है वो फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएगा 10 जून नहीं तो 11 जून से, क्योंकि 17 जून को तो बकरी ईद है। सो आप लोग को 17 जून तक आप लोग को जो ईद का इवेंट है वो पूरा ही कम्प्लीट हो जाएगा और उसके जो रिवॉर्ड्स वगैरह है वो भी आ जाएगा। तो 17 जून से पहले आप लोग को इवॉर्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा और जो बंडल है वो भी आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे डेट वगैरह कन्फर्म हो जाएगी इवेंट की तो मैं आप लोग को जल्दी इवेंट का फिर रिव्यू करा दूंगी और डेट भी मैं आप लोग को बता दूंगी। और देखो बाहर के सर्वर में लॉल इमोट स्पेशली एक ही इवेंट आया है, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर टोकन यहाँ पे मिशन करके क्लिक करना है और उसी से आप लोग जो लॉल इमोट है इसको आप लोग क्लेम कर सकते हो। बट जो लॉल इमोट है ये आप लोग को 7-3-8 दिन के लिए मिल रहा है और 7-7 दिन के लिए आप लोग को मिल रहा है, और साथ में जो हाई इमोट है हाई इमोट भी आप लोग को मिल रहा है। सो बाहर के सर्वर में ये जो इवेंट है ये आना स्टार्ट हो चुका है, 3-4 सर्वर में आ चुका है, तो आप लोग को जल्दी ये जो लॉल इमोट है ये आप लोग को इंडिया सर्वर में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लॉल इमोट का इंडिया सर्वर में अलग ही डिमांड है और अभी के टाइम में लॉल इमोट सबको ही चाहिए। और ये लॉल इमोट स्पेशली जो इवेंट है ये आप लोग को जल्दी इंडिया सर्वर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडिया सर्वर में आप लोग को पता ही है 7th एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। सो 7th एनिवर्सरी स्पेशली आप लोग को जो लॉल इमोट है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, परमानेंट तो नहीं मिलेगा बट आप लोग 7-7 दिन के लिए करके आप लोग बहुत सारे दिन के लिए जो इमोट है उसको आप लोग क्लेम कर सकते हो टोकन से। और लॉल इमोट इवेंट का जैसे ही इंडिया सर्वर के लिए कंफर्मेशन डेट वगैरह कंफर्म हो जाएगी कब आने वाले कौन से दिन स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को कंफर्म डेट बता दूंगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना फूल नहीं, और सिर्फ पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बैठ पाए हाथ उसके बेल आइकन में ऑन कर लो। तो चलिए गाइस टाटा बाय बाय।